ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ पूरा। 3 दिन तक चला सर्वे का काम। सर्वे टीम ने आज केवल 1.5 घंटे में पूरा किया बचे हुए सर्वे का काम। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने किया बड़ा दावा। तालाब से पानी निकालने के बाद मिला शिवलिंग। 12 फुट बाय 4 फुट का वो डायमीटर है, परिधि है उसकी, और 3 फुट तक गहरा शिवलिंग। अच्छा, पहले नहीं दिखाई दिया था तो वहाँ पानी भरा था तो क्या कुछ पानी हटा के उसको देखा गया। तो ज्ञानवापी सर्वे पर वाराणसी कोर्ट का बड़ा आदेश। जहां शिवलिंग मिला वो जगह तत्काल प्रभाव से सील की जाए। वाराणसी के डीएम, कमिश्नर, सीआरपीएफ कमांडेंट को साक्ष्य वाली जगह सील करने के आदेश दिए। वाराणसी कोर्ट ने सील की गई जगह पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को वर्जित करने का आदेश दिया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का बड़ा बयान। डॉक्टर सोहनलाल आर्य ने कहा, बाबा मिल गए हैं, इससे ज्यादा और क्या कहें। कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। ऐसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित उद्भव हो गया। वो समय कैसा, अच्छा क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की याचिका पर कल सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कल याचिका पर करेगी सुनवाई। हिंदू पक्ष के बाबा मिल गए हैं वाले बयान पर मुस्लिम पक्ष का जवाब, कहा ऐसा कुछ नहीं है, सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। सोहनलाल ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है, हिंदू पक्ष के लिए क्या ऐसा है? ये उनका कहना है। सर वो अभी 15 फीट पलबे की बात और कह रहे हैं कि 15 फीट का पलबा और है, उस बारे में रिपोर्ट दाखिल होगी, रिपोर्ट आज ही पेश करेंगे के 10:15 के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं, सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है। मस्जिद में सर्वे का आज तीसरा दिन। कोर्ट कमिश्नर को मिलेगी रिकॉर्डिंग की चिप। कल कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का आखिरी दिन है। ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती रही। मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में छतों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट। HD कैमरों से की गई वीडियोग्राफी। हाई रेजोल्यूशन लेंस का हुआ प्रयोग। दीवारों के चूने को कुरेद कर की गई वीडियोग्राफी। मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में पब्लिक की एंट्री पर बैन। पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग की। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की लंबी कतार दिखी। वाराणसी पुलिस के मुताबिक मंदिर दर्शनार्थियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दर्शनार्थियों के लिए रास्ते खुले रहेंगे। वाराणसी पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा काशी की जनता का पूरा सहयोग, जनता को हुई असुविधा के लिए खेद जताया। आज तीसरा दिन है, वो कितनी देर अभी अंदर काम करेंगे ये कोर्ट कमिश्नर का निर्णय होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस आदर्श वातावरण में अब तक की कमीशन की कार्रवाई चली है उसी तरीके की व्यवस्था आज भी हम लोगों ने कर रखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कमीशन की कार्रवाई शांतिपूर्वक रूप से आज संपादित होगी। ज्ञानवापी मस्जिद पर राजनीतिक घमासान जारी। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का ओवैसी को चुनौती देता हुआ बयान, कहा अगर खुदाई में शव निकला तो तुम्हारा, शिव निकले तो हमारे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी साधा निशाना। कोर्ट में पश्चिमी दीवार के पास मौजूद 15 फीट ऊंचे मलबे के सर्वे की मांग भी उठा सकता है हिंदू पक्ष। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने कहा सर्वे में 100 से ज्यादा साक्ष्य मिले, सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में हैं, कहा अब कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। सर्वे के बाद याचिकाकर्ताओं के चेहरे पर खुशी। महिलाओं ने कहा सर्वे से बेहद खुश हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाई जा रही है। क्या उसके बाद ये जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं, जो लड़ा रहे हैं, क्या इसको बंद करेंगे?
अभी ज्ञान वापी मस्जिद उसके ऊपर भी पीछे पड़े हुए हैं, क्या उसको लेने के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.